देखिए आप जैसे सुबह से देख रहे हैं कि स्लो है विकेट बहुत, तो हार्ड वर्क ज़रूर है यहाँ पे, क्योंकि आपको एक अच्छी लाइन और लेंथ फेंकना होगा, आपको पूरा दिन वहाँ पे लगे रहना होगा उसी लेंथ पर, तो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि थोड़ा स्लो और डैम टाइप था। शाम को आके अच्छा विकेट चलाया, और जहाँ तक एज ए बॉलिंग यूनिट का सवाल है, आपने देखा कि बहुत अच्छा हम लोगों ने इसको स्टॉप किया है, क्योंकि 216 पर हम लोग 3 थे। अब आपके सामने रिजल्ट है। देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं बीच बीच में, क्योंकि इसके बाद हमारा कोई टेस्ट मैच भी नहीं था, उसके बीच ट्रेनिंग, हार्ड वर्क और जितना भी आप अपने आप को उसमें आप बिज़ी रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपका ऑफ सीज़न है, मतलब ऑफ टाइम है, तो आप वहाँ पे अपना अवेलेबल कर सकते हैं, अपने नेट्स को अपना टाइम दे सकते हैं, अपने क्रिकेट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम देंगे उतना बेटर होगा आपके लिए। और वही हम लोग करते हैं, जैसे ही हम लोगों को टाइम मिलता है हम एनसी चले जाते हैं, या फिर हम अपना ऑर्गेनाइज करते हैं कहीं पे भी, तो वो हमारे लिए सबसे बेटर होता है और रिजल्ट आपके सामने रहता है। वो 4 ओवर का बात बोलिए जहाँ आप 4 ओवर में 2 10 रन लेकर 2 विकेट लिए, एक्स्ट्रा कुछ क्या किया? देखिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं, क्योंकि जैसा विकेट शुरू में आप बॉल डालते हैं आपको विकेट का बिहेव पता चल जाता है कि कैसे बिहेव कर रहा है विकेट, सो आपको उसी पे वर्क करना होता है, आप उसी पे लगे रहते हैं वहाँ पे, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं था, बस अपनी लाइन और लेंथ को कंट्रोल में रखना है, और आपको जितना कम से कम विद आप दें बैट्समैन के लिए वो ज़्यादा बेटर है। शमी, जिस तरीके से पहले दिन का खेल देखा उसके बारे में जानना चाहते हैं, जहाँ पर इस वक्त टीम इंडिया है और जैसी बॉलिंग की, आपको लगता है जैसे ही मैचेस आगे बढ़ेंगे तीसरे चौथे दिन, क्या एक स्पिनर की कमी खल सकती है या फिर रिवर्स स्विंग होगी और उससे आप हौसला बढ़ाया? नहीं ऐसा नहीं, कमी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो यूनिट जो टीम डिसाइड करती है मैच, आपको उसी पे हार्ड वर्क करना है, आपको उसी के अंदर फाइट करनी है। सो जहाँ तक 3 दिन हो, 4 दिन हो, 5 दिन हो, जितना भी आपका जाए वो आपके बॉलिंग यूनिट के ऊपर है, आपको एक दूसरे पे बिलीव करना होगा और इंजॉय को सक्सेस करना होगा। हर टेस्ट मैच में देखो, जैसे हम लोग लंबा टाइम होता है हमारे पास, तो आपको कमबैक करने का भी चांस होता है, लेकिन आपको एक विकेट के हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं, आप विकेट के हिसाब से आप अपनी टीम बना सकते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि एक एज ए कैप्टन और जैसे आप कप्तान हैं, आप ये आपको सोचने का टाइम मिल जाता है बीच में जब प्रैक्टिस होती है कि विकेट कैसा दिखने में, कितना ग्रास है, आप उस हिसाब से आप अपना बॉलिंग यूनिट जो है आप सेट करते हैं, तो उसी पे आपको 5 के 5 दिन वर्क करना, और आपको उस पर बिलीव भी करना होगा और एक साथ होके चलना होगा। देखिए लंबे टाइम के बाद, मैं काफ़ी टाइम हो गया साउथ अफ्रीका मैच को और बीच में परेशानियां भी बहुत रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फाइट इस चीज़ से रहा है मेरा इस बीच, लेकिन कोशिश यही थी कि जिस चीज़ को मैंने प्यार किया, जिस चीज़ से मैं लगाव रखता हूँ, जो मेरे ज़िंदगी में पहला महत्व है, मैं उस चीज़ को अपना पहला अपना अपना जॉब डन करना चाहता हूँ यहाँ पे, बाकी चीज़ें मैं बाद में देखना चाहता हूँ, और मैं उसी चीज़ में लगा हुआ था कि परेशानियाँ कितनी भी हों लेकिन मैं अपना वर्क नहीं छोड़ूंगा, और रिज़ल्ट आज हमारे सामने है। हाँ, जो बहुत अच्छा बॉल डाला है अश्विन ने, गर्डन बोलना चाहूँगा मैं उसको, क्योंकि एज ए बॉलिंग यूनिट आपको इंग्लिश विकेटों पे आपको देखने को मिलता है कि हाँ बॉलर्स फास्ट बॉलर्स अच्छा डालते हैं, लेकिन उसके बीच में आके एक स्पिनर ने एक ऐसी साझेदारी निभाई है जो हमारे फास्ट बॉलर्स को भी कॉन्फिडेंस ऊपर ले जाता है, तो वेल डन उसके लिए। और ओवरऑल जितना भी आप देखेंगे फास्ट बॉलर्स ने अच्छा ही डाला है, उसके साथ जो कॉम्बिनेशन हम लोगों को चाहिए कि स्पिनर्स का, जैसे आप बोले थे अभी के दो दो स्पिनर्स का कॉम्बिनेशन बन सकता था क्या, तो उस चीज़ की कमी नहीं खली है। जब हमारे पास एक्सपीरियंस होता है तो वो चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, अगर इन केस अगर हम विकेट निकालने में कामयाब नहीं भी होते हैं लेकिन रन स्टॉप करने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है कि हाँ फास्ट बॉलर्स ने भी अच्छा स्टॉप किया है, तो उधर से अश्विन ने अच्छा लेंथ और लाइन डाला है तो उसमें विकेटें निकली हैं, बहुत ज़रूरी था ये एक तरफ से, और ये चीज़ बहुत अच्छी है हमारी यूनिट के लिए कि हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत है, हमारे सारे प्लेयर्स के पास जितने भी बॉलर हैं अच्छे लंबे टाइम से खेल रहे हैं, सबके दूसरे दूसरे टेस्ट दूसरे दूसरे टूर हैं, 3 टूर हो चुके हैं, तो एज ए बॉलिंग यूनिट आई एम वेरी हैप्पी।
शमी, एक बहुत अलग अलग रीजन से चैलेंजिंग पीरियड के थ्रू आप निकले हैं, तो और जिस तरह की आज आप बोलिंग किए, एट द एंड ऑफ द डे आपकी इमोशंस क्या हैं? देखिए, बहुत खुश हूँ इस परफॉर्मेंस से, एज ए बॉलिंग यूनिट भी और अपने परफॉर्म से भी, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैंने हार्ड वर्क किया था, आज हम लोग उस रिज़ल्ट को हम सामने लाने में सक्सेस हुए हैं। सो देखो, परेशानियाँ अप डाउन होती हैं, फैमिली में हो जाती हैं, लेकिन आप अगर जो आपकी कंट्री का जो आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आप उस काम को अगर पूरा करते हैं, तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट है हमारे लिए, और इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ।